199, नाउ ओपन इन प्लैनेट मॉल, आपका अपना विश्वसनीय एवं भरोसेमंद ब्रांड जो दे रहा है 70% का डिस्काउंट ऑफर। ऑफर सीमित समय के लिए। कुर्ती 199, द प्लैनेट मॉल सिलीगुड़ी। बागडोगरा विमानबंदरे बंध उड़ान परिसेवा। गत 15 मार्च रानवे ते फाटलर पर फिर समस्या रानवे ते। उड़ान परिसेवा बंद हवाय भोगान्ति यात्रीदेर। बागडोगरा विमानबंदरे फिर रानवे ते समस्यार जेरे बंध उड़ान परिसेवा, जार जेरे विपाके यात्रीरा। जाना गियेछे मंगलवार सकाले बृष्टिर पर रानवे ते समस्या देखा दे। सकाले 4 থেকে 5টি उड़ान ওঠানামা করার পর রানওয়েতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় বন্ধ করা হয় বিমান পরিষেবা। সূত্রের খবর, 4 ঘন্টা উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। গত 15 মার্চ রানওয়েতে ফাটলের পর ফের এই সমস্যা হয়। যাত্রীদের ভোগান্তি এড়াতে কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ মেরা জয়পুর কা ফ্লাইট থা। जयपुर के फ्लाइट के लिए सुबह 7 बजे से मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ वेट कर रहा था। ये लोग कोई श्योरिटी नहीं है, ये बोलते हैं मतलब बोर्डिंग टाइम पे इन्होंने बोला कि फ़्लाइट 11:30 बजे उड़ेगा, 11 बजे बोला कि फ़्लाइट 1:30 बजे उड़ेगा, अभी बोलते हैं कि 4 बजे के बाद उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा श्योरिटी नहीं है। बोलते हैं रनवे मेंटेनेंस हो रहा है। सिंपल सा पॉइंट है, अगर रनवे मेंटेनेंस हो रहा है या तो एयरपोर्ट बंद कर दो कुछ दिन के लिए, ताकि कोई आदमी परेशान नहीं हो, दूसरी जगह से अपना टिकट काटेगा। अदरवाइज आप रात में रनवे रिपेयर करो, दिन में फ्लाइट को उड़ने दो। कम से कम एयरलाइन कंपनी को तो रनवे रिपेयर के टाइमिंग का जानकारी होना पड़ा, आदमी यहाँ पे आके क्यों परेशान होगा। दूसरा चीज़, रिफंड के लिए अभी लाइन में लगना पड़ेगा कि मेरा टिकट कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आएगा तो 7 दिन 15 दिन बाद आएगा। प्लस इतना दूर से आदमी आया, बच्चा को लेकर के हम आया था, बच्चा को अभी गाड़ी के अंदर भेजा हम, क्यों यहाँ लाइन में खड़ा होकर के रिफंड लेना है। समस्या देख लो भाई, पसीने में दुखी हो चुके हैं। मैं आया, मेरा साहब को लेके जाने के लिए आया। प्रॉब्लम हुआ, सब आदमी बोल रहा है 3 घंटा बंद रहेगा, 3 बजे का बाद फ्लाइट आएगा, इसे बोला तो हाँ? मैं कारण अंदर में कुछ फील्ड में प्रॉब्लम हुआ बोला है, तो इसके लिए मैं फिर साहब को फ़ोन किया। साहब बोला डिवाइड करके कलकत्ता चला गया, आप उधर ही खाना खा के वेट करो। खाना खाने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। फ्लाइट था सर 12:15 का हैदराबाद का। आप भी फिर 3 बजे का बाद ही बोल रहे हैं सर, फिर फ़ोन करेंगे, कंफर्म करेंगे।